गुड इवनिंग, वेलकम गुड इवनिंग वेलकम टू दिस सेशन। थैंक यू आपने आज मैम। ज्वाइन किया हमको। माधुरी थैंक माधुरी जो है ये मोदा से है और अभी ये बीएससी कर रही है फाइनल ईयर में। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पहले उपाय की स्टूडेंट थी और अभी आज ये वॉलेंटियर है, तो यू। इनके पास बहुत कुछ होगा बताने के लिए आई एम श्योर। और ये हमको आज अपनी उपाय की जर्नी के बारे में बताएंगी। तो माधुरी वेलकम अगेन। तो थैंक यू मैम। जस्ट स्टार्ट करने से, जैसे कि आप पहले स्टूडेंट थे फिर आप वॉलेंटियर बने, तो आपको सबसे पहले जैसे उपाय के बारे में कैसे पता चला था? मैं 8th में थी स्टूडेंट। हाँ हाँ, और मैं गांव को गई थी। फिर वहां से आने के बाद मेरे सारे फ्रेंड्स लोग बोल रहे थे, कि हमारे गांव में सर आते थे, हमें पढ़ाते हैं करके। तो फिर मैंने भी जाना स्टार्ट किया। तो रेगुलर आती थी, बहुत अच्छे पढ़ाते थे सर। तो फ्रेंड के द्वारा ही मुझे पता चला कि यहाँ पे उपाय कोई सर लोग आते हैं पढ़ाने के लिए। अच्छा, तो तो आप 8th क्लास से तब से आप उपाय के साथ में पहले पढ़ते थे और अब पढ़ाते हो? हाँ यस मैम। 8, 9, 10, 11, 12, चार हाँ 5 साल वो हो गए और अब आप बीएससी फाइनल ईयर में हो गए, तो 3 साल ये हो गए, तो यस मैम। बहुत टाइम हो और गया है आपको उपाय के साथ में ना। हाँ मैम, 11th में थी जब वॉलंटियर एज अ ज्वाइन किया। यस अच्छा, आपने 11th से वॉलेंटियर करना भी स्टार्ट कर दिया था। मैम। अरे वाह। और इसके आप फिर, जैसे कि आपने बताया कि हाँ आपको आपके फ्रेंड्स लोगों ने बोला कि हाँ यहाँ पे सर लोग आते हैं पढ़ाने, तो आपको कैसा लगता था? कैसे जब वो पढ़ाने आते थे तो आपको हेल्प मिलती थी उनसे? हाँ, बहुत ज्यादा। रेगुलर हम यहाँ पे आते थे सर, बहुत ही अच्छा। स्कूल में जैसे जाते हैं हम लोग, उतना क्लोजली सर लोग वैसे नहीं पढ़ा पाते एक एक बच्चों को लेके। बहुत ही बेसिक चीजें बहुत ही अच्छे से बताते थे। तो फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा और हम रेगुलरली जाते थे वहाँ पे। अरे वाह, ये हाँ, भी रेगुलर स्कूल जाती थी ना? रेगुलर तो स्कूल जाती थी, रेगुलर पर स्कूल जाती, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता था, बहुत अच्छे से समझ में आता था। ज्यादा अटेंशन मिलता था, ज्यादा आपको जो भी दिक्कत होती थी आप पर्सनल पूछ सकते थे और बता सकते थे, तो हाँ बिल्कुल, हम स्कूल में डरते थे सर सर लोगों से कि पूछे कि नहीं डांट मिलेगी यहाँ पे नहीं तो आपका पूरा आपको डर डर हट गया और आपको बहुत हेल्प मिला ना। है। यस मैम, यस। वेरी गुड। तो फिर आप जैसे आप फिर आप पढ़ते थे, फिर आपने 11th में जैसे आपने बोला कि आपने ज्वाइन किया, तो आपको क्या ऐसे क्या लगा कि आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्या मोटिवेशन था? जैसे मैं भी जब स्टूडेंट थी तो हमारे गांव के जो स्टूडेंट थे पहले वो ही वॉलेंटियर भी बने थे कोई कोई लोग। अच्छा, पहले भी ऐसे किया था? हाँ, दो तीन दीदी थी जो हमारी अभी रहाड़ी की, स्पेशली हमारे साथ वाली दीदी अभी जो उनके ये कोऑर्डिनेटर वगैरह इसमें बड़े हैं, इसमें काम करते वो लोग। अच्छा हाँ वही लोग, बहुत अच्छा। फिर वो पढ़ाने का एक्सपीरियंस उनका, फिर वहीं से हम सीख के फिर हमें भी लगा कि नहीं, हमने भी बच्चों को कुछ बताना चाहिए। वो जब सर वगैरह कभी कभी लेट आते थे तो हमें वो बेसिक तो आता था, तो वो हम बच्चों को बता पाते थे। तो जैसे आप तो 11th में थे तो आप जैसे 8th 9th और छोटे बच्चों को आप बता देते थे। हाँ, हम हैंडल करते थे उनको कि शांत रहो, सर आने के हैं अभी अच्छा, से। फिर बच्चों को तो संभालना भी मुश्किल होता है, हाँ तो सही। आप जैसे उनको फिर जैसे सर आते थे तब तक आप पढ़ा, फिर उसके बाद भी आप उनको गाइड करते थे या बस जैसे सर आ गए और जब सर आ गए नहीं तो? नहीं वॉलेंटियर जब ज्वाइन हुआ वो जिम्मेदारी तो थी, बट जब अच्छा स्टूडेंट थे तभी भी बताते कि नहीं, हाँ, 10th तक कि आप शांत रहो ऐसे। तो फिर आपको आपको तो मतलब वो ऐसे कि हाँ कि आपको वॉलेंटियर भी करना है, आप स्टूडेंट हैं, आपको तो आपको कैसा क्यों क्यों आपको ऐसा लगा कि अब आपको वॉलेंटियर भी करना है? वॉलेंटियर करना है, जब हमें भी सर लोग वैसे उतना टाइम नहीं दे पाते थे ना वो आने का, तो फिर हम उनको
मतलब हम खुद उतना बेसिक तो आता था जितना हम 5th स्टैंडर्ड तक हम पढ़ा सकते थे। तो हाँ फिर लेवल बढ़, हम खुद ग्रेजुएशन करने लगे तो फिर हमें भी उतना आता था कि हम 8 9 के बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। फिर और सर का भी मतलब वो भी उतना टाइम निकाल के आते थे तो हम वो क्लास हैंडल कर सकते थे, तो फिर हमने भी ज्वाइन किया। अच्छा, तो मतलब आपको लगा कि अब सर लोगों के पास में से बच्चे हो ज्यादा हो गए, सर लोग इतना टाइम नहीं दे पा रहे, और अब हाँ आपको आता यस है तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो और आप भी सिखा सकते हो। यस हाँ अरे बिल्कुल। वाह। तो इससे पहले आपने कुछ वॉलंटियर किया था, कहीं और भी वॉलंटियर किया है आपने? नहीं, हम डायरेक्ट मतलब उपाय में ही, वो सब एनजीओ से है, एनजीओ एनजीओ से ही फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ उपाय से ही। उपाय से ही जुड़े हो, तो हाँ आपको 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 कैसा लगता है ऐसे वॉलंटियर करके? मतलब बहुत ज्यादा अच्छा, मतलब जीवन में यही बहुत अच्छा काम कर रही हूँ ऐसे लगता ये तो मतलब ये ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ये तो मैं नहीं कह सकती, पर हाँ ये एक बहुत अच्छा काम कर रहे बहुत हो, अच्छा। हाँ सही, मतलब ये तो आप मैं किसी को जरूर। अपना टाइम दे रही हूँ, उसको कुछ फायदा हो रहा है ये। आप मतलब तो अभी आप जैसे कितना टाइम देते हो अभी वॉलंटियर के लिए? मतलब मैं कॉलेज से नागपुर से आती थी तो टाइम तो मतलब सेंटर ओपन हमारा 5:30 बजे हो जाता है, शाम को तो हाँ 7:30 बजे डेली तक रहता है, तो डेली 2 घंटे का टाइम बच्चों को हम यहाँ पे रेगुलर देते हैं। डेली देते हैं आप ये? हाँ पर अभी तो कोरोना की वजह से तो बंद है, तो अभी मोबाइल पे ही ऑनलाइन वो चलता है। तो आप जैसे अब आप 11th से आपने बोला कि आपने स्टार्ट कर दिया वॉलंटियर करना, और अब तो मतलब 4 5 साल हो गए आपको वॉलंटियर करते यस करते, तो मैम। क्या क्या आपने, जैसे आपने बच्चों को पढ़ाया, तो पढ़ाने के साथ में आपने और भी कुछ काम किया होगा बच्चों के साथ में, हाँ तो हाँ आप बिल्कुल। बताओगे हमको आपने क्या क्या हाँ एक्टिविटीज मैम करी है? बिल्कुल। स्पोर्ट्स में अदर एक्टिविटीज मतलब ड्राइंग कंपटीशन रहता है, डिबेट कंपटीशन रहता है, स्पोर्ट्स स्पेशली बच्चों पे मतलब पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा मतलब हम सुबह उठ के मतलब 4 बजे उठ के हम प्रैक्टिस भी करते थे स्पोर्ट डे के लिए, क्योंकि कंपटीशन रहता है बच्चों के साथ खेलने का, सेंटर सेंटर के साथ। हाँ स्पोर्ट्स में भी पार्ट मतलब हमने बच्चों से किया है और हमें भी खुद खेलने को मिलता है उनके साथ, बचपन की सुबह सारी सारी वो। सुबह 4 बजे आप भी उठ के आ जाते हैं और बच्चे भी उठ के आ जाते हैं? हाँ सबसे पहले तो बच्चे हमें उठाने आते थे कि मैम अरे बाप चलो। रे, वेरी गुड। हाँ बहुत बहुत डेडिकेशन है बच्चों में। सही भाई। बहुत ज्यादा फ्रेंडली रहते वो, मतलब उनको स्कूल में उतना नहीं पर हमारे साथ वो बहुत ज्यादा क्लोजली रहते। और आपको ऐसा मतलब ऐसा कुछ डिफरेंस लगता है, क्योंकि जैसे बाकी वॉलेंटियर्स तो होते हैं जो कि बाहर से आए, पर आप, क्योंकि बच्चों को भी पता होगा कि आप पहले उपाय में स्टूडेंट थे और आप हाँ वॉलेंटियर हैं, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि हम बच्चों में आपसे कुछ ज्यादा स्पेशल कनेक्शन है, या बच्चे आपसे ज्यादा घुले हुए हैं, ज्यादा इजीली आपसे हाँ वो फ्रेंडली मतलब सारी बातें कोई भी चीजें हो कुछ भी मतलब आने की जाने की, मैम मुझे इसने ऐसे बोला था, फिर वो सब बातें बताते हैं अपनी पूरी फ्रेंडली, मतलब जैसे मैं फ्रेंड हूँ सारी बातें बता देते। तो वो आपको ऐसे अपने फ्रेंड की तरह ही समझते हैं, ऐसे टीचर की तरह नहीं समझते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसी ऐसी और मतलब बच्चों की कुछ ऐसी कहानियां जो जो हमको भी ऐसे मोटिवेट कर सके और हमारे ऑडियंस को भी ऐसे मोटिवेट कर सके, ऐसे आप हमको बताना चाहोगे जो? हाँ मैम बिल्कुल। मतलब बच्चों में वो रेगुलरिटी, बराबर टाइम पे आना, हम अदर सेंटर को देखते हैं कि मतलब उतना वो नहीं रहता रेगुलरिटी बच्चों में आना, पर उनको बहुत टाइम हो गया चलो जल्दी जल्दी ऐसे फ्रेश होके मस्त आते हैं टाइम पे, बराबर प्रेयर करते हैं और उनके डेली टेबल्स होते हैं सब वो रेगुलर, उनकी मतलब डेली शेड्यूल, हमें भी थोड़ा टाइम हो जाए वो परफेक्टली अपना काम पूरा करते। 1 साल से तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, कोविड आ गया, फिर क्लासेस बंद हो गई, तो ऐसे आप आपके इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इस पे? कोरोना की वजह से तो बहुत ही ज्यादा मतलब पढ़ाई में डिस्टर्ब हुआ,
स्पेशली बच्चों के, जैसे हम फिजिकली जैसे पढ़ा पाते हैं बच्चों को, तो वैसे अभी पढ़ा नहीं सकते, मतलब क्लोज है सेंटर तो हम उनके लिए वर्कशीट्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं अभी ऑनलाइन। फिर भी जैसे हम फिजिकली बच्चों को उतना टाइम दे पाते हैं, वैसे बता पाते हैं, वैसे ऑनलाइन नहीं हो पा रहा है। कोई कोई बच्चा जल्दी कैप्चर कर लेता है, कोई नहीं, तो इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ अभी ऑनलाइन स्टडी के दौरान। बच्चे आ पा रहे हैं सारे ऑनलाइन? सारे नहीं, क्योंकि किसी किसी के पास मोबाइल नहीं है हाँ और कोई कोई बच्चा मोबाइल है फिर भी नहीं कर पा रहे है, तो ये ऑनलाइन प्रॉब्लम हो रही है। तो कितने बच्चे, जैसे मान लो पहले आपके सेंटर पे 50 बच्चे आते थे, तो अभी कितने बच्चे मतलब अज्यूम कर लो, तो कितने कितने? मतलब ज्यादा नहीं, 15-16 इतने ही बच्चे ऑनलाइन में थोड़ा ये कर पा बाकी रहे। लोगों को ऐसे हाँ वही प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम ज्यादा हो रही। ज्यादा। पर अभी आप जैसे जो बच्चे ऑनलाइन आ पा रहे हैं उनको डेली क्लास ले रहे हैं? हाँ मतलब क्लास नहीं, हम उनको वर्कशीट बना के वो भेज रहे हैं क्वेश्चंस हाँ डेली डेली, वो सॉल्व करते हैं, फिर वो बुक्स हमें चेक कराने के लिए वो देते हैं, फिर हम उनको उनकी बुक्स वापस कर देते हैं। अच्छा। और उनको हाँ जैसे कुछ पूछना होता है, कुछ डाउट? वो तब जब बुक लेके आते हैं तब हम उनको वो बता देते हैं सारी प्रॉब्लम्स कि ये ऐसा है वैसा है। अच्छा। तो आपने फिर भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करके, ऐसे चल रहा है, पूरा तो नहीं चल पा रहा है। हाँ एक बात, जो आप इतने साले से जुड़े हुए हो उपाय से, तो आपको तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा यहाँ पे। आप बताओगे बहुत। हमको, आपको क्या क्या सीखने को मिला उपाय के साथ में? हाँ मतलब हम ऐसे मतलब आगे जाके बोलने में डरते थे बहुत ज्यादा, वो अभी तो मेरे को लग ही नहीं था कॉन्फिडेंस कि आप डरते हो बिल्कुल। नहीं, वही तो अभी कॉन्फिडेंस हाँ आया। हाँ अभी कॉन्फिडेंस आया, मतलब गाने का बहुत ज्यादा शौक था तो सर ने मतलब ऐसे आगे आके, बट स्टूडेंट थी तो कोई कार्यक्रम वगैरह होता था तो हमें गाने के लिए बोलते थे, सिंगिंग का, ड्राइंग, ड्राइंग में कुछ आता नहीं था फिर भी हम निकाल के ट्राई करके फिर भी प्राइज मिला था, बहुत अच्छा लगा अरे था, वाह, लगा कुछ आता है। और स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आया फिर, क्योंकि बच्चों के साथ खेलने में और कंपटीशन रहा तो और भी ज्यादा मजा आता है, मतलब सारी एक्टिविटीज होती थी तो अभी भी मतलब लिए तो बहुत मजा आता है भाई। हाँ जैसे आप, और अब जैसे आपको, जैसे आपको कॉन्फिडेंस आया अब यहाँ पे हाँ हम बोल बोलने सकते में, हैं। आपको सिंगिंग में, ड्राइंग में, स्पोर्ट्स में, ऐसा ऐसा आपको लगता है जैसे आपके और जो सेंटर पे अब जो और बच्चे आते हैं उनके अंदर भी ऐसा चेंज हो रहा है? हाँ बिल्कुल वही, हमारी भी बच्चियां है यहाँ पे, मतलब आगे आके बोलने में बहुत ज्यादा डरती थी, वो भी एकदम फ्लुएंटली आके भाषण स्पीच वही वही आके पहले दे देती है वही। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने बोला कि आपको सिंगिंग का शौक है, आप थोड़ा सा छोटा सा गाना गा के बताओगे? कोई अभी तो आवाज ठीक से नहीं आएगा। बात नहीं, थोड़ा सा। ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ए मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, आती है आंधियां तो कई उनका खैर मकदम, आती है आंधिया तो कई उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है, ए मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, ए मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। बहुत अच्छा गाती हैं आप, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा गाना भी चुना आपने एकदम। मुश्किलें बड़ी नहीं है, अपना खुदा हाँ, बड़ा है। राइट। बहुत ही बहुत अच्छा। ऑडियंसेस वगैरह हैं जो हमारी सुन रहे हैं, इनको कुछ मैसेज देना चाहोगे? हाँ बिल्कुल कि मतलब हम जो भी सोशल काम कर रहे हैं तो एकदम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करिए, क्योंकि हमें इच्छा ही नहीं है तो हम वो काम नहीं कर सकते कुछ भी, तो बिल्कुल अपना जिसमें पूरा मन लगता है, तो कोई भी एनजीओ ज्वाइन कर रहा है ये
तो बिल्कुल अपना पूरा पूरा वो उसमें दीजिए, अपना टाइम मतलब अपना ध्यान, जो भी निस्वार्थ भाव से, कोई उसमें अपना ये नहीं हो कि नहीं मुझे उससे वो मिलेगा, यही यही मैं मैसेज देना चाहूंगी। बहुत बहुत बिल्कुल सही बोला आपने, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उसको पूरे डेडिकेशन के साथ में, और सोशल यही वर्क कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि इससे आपको कुछ मिलेगा, आप यस क्या दे सकते हो, यस ये आपको सोचना चाहिए। हाँ यही माधुरी बहुत बहुत ही अच्छा लगा, मतलब आपसे आज तो बात करके, आपने इतने सालों से उपाय से जुड़े हुए हो और इतना सारा काम किया है, पहले आप खुद स्टूडेंट थे, आज आप वॉलेंटियर हो, और मैं चाहूंगी कि आपके जैसे ही और भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो प्रेरणा लें और हमारे साथ में जुड़े वॉलेंटियर बन के, ताकि हमारा एक बहुत ऐसे कड़ी से कड़ी बनती जाए और हम एक बहुत बहुत ज्यादा लोगों को, बहुत ज्यादा बच्चों को पढ़ा सके, उनको आगे बढ़ा सके। थैंक यस थैंक यू माधुरी। यू मैम।